तो भाइयों आज हमारे पास खड़ा है किया सोनेट का HTK IMT वाला वेरिएंट, जो कि दिखने में टाटा नेक्सॉन से भी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। एंड ये इस कार का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। HTX मॉडल बिल्कुल टॉप मॉडल नहीं रहने वाला है, इससे ऊपर एक और मॉडल आता है जिसका नाम है HTX प्लस वेरिएंट। और ये कार भी टॉप मॉडल से कम नहीं है, टॉप मॉडल से कम प्राइस में इस कार में हमें सभी फीचर तो मिल ही जाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कार के प्राइस के बारे में, कार के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर लुक के बारे में, कार के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कार के क्या इंजन स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो सबसे पहले बता दो, सामने जो मॉडल खड़ा है ये है किया सोनेट का HTX मॉडल, जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। एंड इस कार के अंदर में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड डीजल ऑप्शन भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल के एक्स शोरूम प्राइस है 11.45 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। डीजल इंजन में ये कार हमें 12.25 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। एंड ये कार हमें ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है। साथ ही में इस कार के अंदर मिलता है IMT ट्रांसमिशन के ऑप्शन। अब वो चीज क्या है वो अंदर बैठ के बताऊंगा, अभी बात कर लेते हैं कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इस कार के अंदर में मिलता है, जो कि पावर जनरेट करता है 118 bhp की एंड 172 nm का टॉर्क जनरेट करने में इस कार का इंजन सक्षम भी है। कार फ्रंट व्हील ड्राइव है एंड 6-speed गियरबॉक्स के साथ आती है। बाकी बात करूं डीजल इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इस कार के अंदर में मिलता है 1.5 लीटर का 4-cylinder टर्बो डीजल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 114 bhp की एंड 250 nm का टॉर्क जनरेट करने में इस कार का इंजन सक्षम भी है। तो डीजल इंजन के अंदर हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है एंड पेट्रोल के अंदर हमें पावर ज्यादा मिलती है। बाकी बात कर लेता हूं कार के लुक्स के बारे में, तो एक्सटीरियर से देखने में ये कार काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है एंड ब्लैक कलर के अंदर तो ये कार और भी ज्यादा सुंदर लगती है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका ब्लैक कलर आपको अच्छा लगता है या फिर कौन सा कलर आपको पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। बाकी स्टाइलिंग में तो ये कार ऑलरेडी अप टू डेट लगती है। अब इसका की सेटअप दिखा देता हूं आपको, तो कुछ इस टाइप का इसका की सेटअप मिलता है, चारों बटन मिल जाते हैं एंड किया का लोगो। एंड इधर की साइड फ्रंट लुक के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर आपको बढ़िया से फ्रंट लुक मिल जाते हैं। फ्रंट की साइड का बोनट की स्टाइलिंग एंड कट्स एंड क्रीज लाइन इस कार को और भी ज्यादा लुक को और भी ज्यादा एनहांस करती हैं। बाकी फ्रंट की साइड आपको LED DRLs मिल जाते हैं, ये हार्ट बीट की शेप में इसके DRLs रहने वाले हैं एंड LED का ही सेटअप रहने वाला है। रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिनकी थ्रो काफी बढ़िया है। नीचे की साइड आपको हेलोजन में फॉग लैंप मिल जाते हैं, बाकी इस पर्टिकुलर मॉडल से ही फॉग लैंप मिलने चालू हो जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर इस मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं। फ्रंट ग्रिल आपको जो है क्रोम गार्निशिंग के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट ग्रिल हर एक मॉडल में मिल जाती है। बात कर लेता हूँ इस साइड लुक के बारे में, तो सबसे मेन हाइलाइटेड पॉइंट है इसका IMT की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर, जो कि ये पर्टिकुलरली मॉडल भी IMT वाला ही रहने वाला है। ORV हमें ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाते हैं विद इंडिकेटर के प्लेसिंग के साथ ही। एंड यहाँ पर आपको R16 इंचेस के क्रोम के सिल्वर की फिनिशिंग के साथ आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। बाकी साइड की तरफ आपको क्रोमिंग की डोर हैंडल्स पर भी मिल जाती है, सिल प्लेट मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको बॉडी मोल्डिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये एक्सेसरीज का पार्ट है, काफी सारी एक्सेसरीज लगाई हुई हैं एंड मड फ्लैप भी आपको एक्सेसरीज का पार्ट ही देखने को मिल जाता है एंड रेन वाइजर भी इसके अंदर जो है एक्सेसरीज का पार्ट रहने वाले हैं। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं सिल्वर कलर की। बाकी फ्रंट साइड डिस्क ब्रेक एंड रियर की साइड आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं एंड व्हील बेस काफी अच्छा है कार का, तो इसकी वजह से अंदर अच्छा खासा स्पेस भी बन जाता है। अभी अंदर बैठ के भी दिखाऊंगा, उससे पहले बात करें इसके रियर लुक के बारे में, तो फ्रंट की तरह ही रियर से देखने में भी कार काफी ज्यादा स्टाइलिश लगने वाली है। रियर लुक की वजह से अलग ही रोड प्रेजेंस निकल कर आती है। सबसे पहले इसका लाइटिंग सेटअप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाती है, ब्रेकिंग लाइट का सिस्टम यहाँ पर ही है, हेलोजन में आपको इंडिकेटर एंड रिवर्स पार्किंग लैंप मिल जाते हैं एंड हार्ट बीट की शेप में यहाँ पर DRLs रहने वाली है। डिफॉगर मिल जाते हैं पीछे की साइड, कोई वाइपर वॉशर वगैरह नहीं मिलते हैं इस मॉडल के अंदर। ऊपर की साइड आपको शार्प फिन एंटीना मिल जाता है यहाँ पर एंड कुछ इस तरीके के आने वाले हैं इसके रियर लुक। एंड यहाँ पर सोनेट की बैजिंग मिल जाती है, किया का लोगो मिल जाता है, TGDI की बैजिंग यानी कि ये टर्बो मॉडल है। बाकी पर्सनली मुझे इसकी स्किड प्लेट काफी अच्छी लगती है सिल्वर साटन फिनिशिंग एंड रिफ्लेक्टर इस कार के नॉन फंक्शनिंग में रहने वाले हैं। बाकी इसकी सिल्वर फिनिशिंग के साथ ये स्किड प्लेट स्पोर्टियर लगती है। बूट स्पेस के बारे में बात करेंगे मेनली अभी, तो मैग्नेटिक टेल लाइट के बटन के साथ ये पूरा ओपन हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है एंड ये पिलो जो है इसके साथ नहीं मिलते हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, आप कंपनी से ही ले सकते हैं एज ए गिफ्ट। बाकी बूट स्पेस के अंदर सभी बेसिक फीचर जैसे कि लैंप एंड हुक वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं एंड ये बूट स्पेस रहने वाला है ओवरऑल 392 लीटर का। एंड ये बैग मिल जाता है, इसके अंदर भी एक्सेसरीज रखी हुई हैं एंड हुक्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं एंड स्पेयर व्हील की प्लेसिंग आपको जो है नीचे की साइड मिल जाती है। 15 इंचेस का स्पेयर व्हील रहने वाला है विद टूल किट वगैरह प्रॉपर दी गई है यहाँ पर। बाकी इसको बूट स्पेस को भी कर देते हैं बंद, प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह भी यहाँ पर जो है प्रॉपर दी गई है। अभी मेनली बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर से देखने में कार काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। बाकी इसका डोर देखेंगे तो वाइड ओपनिंग के साथ है एंड यहाँ पर आपको सॉफ्ट टचिंग मटीरियल भी मिल जाता है यहाँ पर, जो ये काफी कंफर्टेबल ऑप्शन है। एंड यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर एंड वाटर होल्डर मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडो में मिलती है, लॉक अनलॉक एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ
साथ ORVMs मिल जाते हैं आपको। तो इन सभी चीज़ों को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कार के अंदर मिल जाते हैं स्पीकर्स एंड ट्विटर्स मिल जाते हैं। ट्विटर की प्लेसिंग ऊपर है एंड स्पीकर की प्लेसिंग नीचे है। एंड ये सोनेट की बैजिंग जो आप देख रहे हैं ये इस कार के अंदर एक्सेसरीज का पार्ट है, यहाँ से आप देखेंगे। एंड हाइट एडजस्टेबल में आपको सीट्स मिल जाती हैं। बाकी अभी इसके अंदर बैठ के बात करेंगे एंड इसके गेट को कर लेते हैं बंद। इसकी एंड इसकी जो चाबी है वो यहाँ पर रख देंगे कहीं भी। स्पीशियस कार है तो स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अभी इसका सबसे पहले ऑन कर लेते हैं इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को। एंड इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इस मॉडल से ही देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार का कंप्लीटली डिजिटल में मिल जाता है। टैकोमीटर आपको एनालॉग में मिल जाता है एंड स्पीडोमीटर डिजिटल में है। एंड ये MID मिल जाती है इसके अंदर, आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह, टाइम वगैरह एंड माइलेज की इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो जाती है, जिसको आप इन बटन्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर गेज आपको एनालॉग में ही मिलता है। इधर की साइड आएंगे तो आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है एंड हेडलैम्प लेवलर के बटन भी मिल जाते हैं। बाकी इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है ट्रैफिक में काम आने वाला है आपके। और अभी बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो स्टीयरिंग व्हील इसका राउंड शेप में रहने वाला है। क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, स्टीयरिंग मॉनिटर से भी कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप मीडिया के बटन को सेट कर सकते हैं, यानी कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन को आप यहीं से सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट एंड कॉल कट एंड रिसीव के बटन यहीं पर ही है। बाकी इसके अंदर मिल जाती है 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसके अंदर हमें वायरलेस और एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं। सभी तरीके की GPS कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले सभी फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी इस कार के अंदर मिल जाते हैं 7 स्पीकर का सेटअप, जिसकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया रहने वाली है। एंड इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो कंप्लीटली बोस का नहीं रहने वाला है, बट इसकी साउंड क्वालिटी भी सिमिलर ही रहने वाली है उसके जैसी। बट इसके टॉप मॉडल में हमें बॉस वाला ही मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको काफी सारे टाइप की सेटिंग्स वगैरह शो हो जाती हैं। एंड इधर की साइड आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, AC वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर AC वेंट्स के ऊपर आपको सिल्वर सटन फिनिशिंग मिल जाती है। बाकी इधर की साइड आपको एक स्पेस मिल जाते हैं, यहाँ पर अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। ये वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट USB केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपने फोन को। बाकी ये 6 स्पीड गियरबॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, अंदर डीप स्पेस भी मिल जाता है। ये सॉफ्ट टचिंग मटेरियल लगाने वाला है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं है ऑफ कोर्स ये। बाकी बात करूं डैशबोर्ड लेआउट की, तो यहां पर भी अगेन हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। ग्लव बॉक्स भी डीप स्पेस के साथ ही मिलता है। बाकी ऊपर की साइड हमें IRVM मैनुअल में एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाला इसके अपर मॉडल में मिल जाता है। बाकी बात करूं फ्रंट शेड की, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, बस टिकट होल्डर मिल जाता है फ्रंट शेड्स पर। एंड यहाँ पर आपको हेलोजन में लैंप्स मिल जाते हैं, सनग्लासेस रखने के लिए प्रॉपर प्लेस दिया हुआ है। और पैसेंजर साइड आपको फ्रंट शेड पर मिरर भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये कंट्रोल मिल जाता है लैंप को कंट्रोल करने के। एंड यहीं पर ही आपको सनरूफ भी मिल जाती है, सनरूफ को आप इन बटन्स के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हैंडल्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ही। बाकी सीट्स के ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। एंड अगेन ये जो कुशन देख रहे हैं आप एक्सेसरीज का पार्ट है, लेदर टीज अपॉल्ट्रोफी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। एंड ऑफकोर्स इसके अंदर हमें वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन नहीं देखने को मिलते हैं। सीट्स काफी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ बच जाता है एंड लॉन्ग राइड पर भी कोई भी टायर्डनेस वाली फील नहीं आने वाली है यहाँ पर। रियर साइड के कम्फर्ट के बारे बात करूं तो सीट यहां पर भी काफी अच्छी खासी मिल जाती है, बट अभी अंदर नहीं बैठ सकता, सामान रखा हुआ है। बट यहां पर जो सीट्स हैं उसका अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ मिल जाता है, लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है तीन तीन पैसेंजर के लिए ही। एंड कार काफी ऊंची है तो उस वजह से हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी लॉन्ग राइड पर भी कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आती है। एंड इधर की साइड सोनेट की बैजिंग जो आप देख रहे हैं ये भी एक्सेसरीज का पार्ट ही रहने वाली है। बाकी पीछे की साइड भी आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल एंड 7 स्पीकर का सेटअप है, तो स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। बाकी गाइस अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 11-12 लाख के बजट में, तो ये कार आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एंड पर्टिकुलरली ये मॉडल इस कार का काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट रहने वाला है, क्योंकि इस कार के अंदर में LED DRLs मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेदरेट सीट अपॉस्ट्रोफी मिल जाती है एंड ऑफकोर्स फॉग लैंप एंड सनरूफ भी मिल जाती है। एंड एलॉय व्हील्स का सेटअप भी इसी मॉडल से मिलना चालू हो जाता है। एंड ये टॉप मॉडल वाले ही अलॉय व्हील यहाँ पर भी दे दिए गए हैं, कोई भी कॉस्ट कटिंग इस मॉडल में नहीं की गई है। बाकी आगे और पीछे से दोनों से ही देखने में कार काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। और गाइज अभी आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि किया सोनेट कार आपको कैसी लगती है और 11-12 लाख के बजट में आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे। और अगर आप भी इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर कोई भी लेने के बारे में सोच रहा है, तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बाकी गाइज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।